फतेहपुर जिले में अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने आए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने केंद्र और यूपी की सरकार पर वार करते हुए कहा कि इनके गलत निर्णय की वजह से जनता परेशान है। 2014 में बीजेपी के लोगों ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख खाते में डालेंगे। नोटबंदी और जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, इससे देश को कोई फायदा नहीं हुआ है। प्रदेश में जो भी दल है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बीएसपी के नेता मायावती और सपा के नेता अखिलेश यादव का भरोसा नहीं किया जा सकता। चुनाव बाद मायावती बीजेपी के साथ मिल जाएंगी। फिरोजाबाद सीट हम जीतेंगे, 7 सांसद अपना होना चाहिए। इस चुनाव के बाद सभी वर्ग के लोगों को इकट्ठा करेंगे और 2022 में अपनी सरकार बनाएंगे। वहीं अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान की नेताजी पीएम की रेस में नहीं है, गठबंधन से नया चेहरा मिलेगा वाले सवाल पर कहा कि 23 तारीख को परिणाम आने के बाद पता चलेगा, हम तो उन्हें रेस में मान रहे हैं। के लोगों ने आपके बीच में बहुत अच्छे अच्छे नारे दिए, कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, सारा धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपया प्रत्येक खाते में डालेंगे। कहा था कि 100 दिन के अंदर हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। कहा था कि 2 लाख हर वर्ष नौजवानों को नौकरी देंगे। कहा था किसानों की आय दोगुनी कर दें, कान पर जो कब्जा किए विदेशी दुश्मन जो कब्जा किए हैं चीन और पाकिस्तान जो हमारी सीमाओं पर कब्जा किए हैं उसे हम वापस कर लें। आपने देखा होगा एक भी नारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने पूरा नहीं किया। बहुजन पार्टी के नेता ने मायावती जी पर भरोसा किया नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी के जो नेता है अखिलेश यादव उन पर कोई भरोसा किया नहीं जा सकता। बताइए भरोसा किया जा सकता? चुनाव जीतने के बाद ये मायावती जी फिर भारतीय जनता पार्टी में मिल जाए। और कई बार आप देख चुके हो भारतीय जनता पार्टी से मिल करके सरकार बना। और परिवार में बेटे और बेटियां बड़ी हो गई हैं और बेरोजगारी के शिकार हैं। अब ऐसा कानून होना चाहिए कम से कम एक परिवार में एक बेटे को और एक बेटी को नौकरी देने की गारंटी सरकार की होना चाहिए। तो इस तरीके के कानून होना चाहिए। तो इसलिए हम इस अवसर पर आपसे यही अपील करेंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।